अक्षय तृतीया यानी शादी का मौसम, व्यापारी के लिए सीजन का टाइम, आसपास में रिश्ते में शादी हो वहाँ भी नहीं जाने वाले लोग और यहाँ पर इतना समय लेते हैं। मैं सुना कहता हूँ गुरु आनंद फाउंडेशन का तो एक कैरेक्टर बन चुका है और यही बीमारी वो सबको लगाते जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि महावीर जी डीएम बोथरा सामने बैठे हुए हैं और मैं जरूर चाहूँगा कि चित्रंडी की आखातीत के एक पालने का नियोजन औरंगाबाद वाले भी करें। हर्ष मैं महेश्वर पत्नी और जीएम भोत्रा सर को विनती करता हूं कि वो खड़े रहे और सभा को अनुमोदन करें। नहीं, अनुमोदन की बात नहीं करेंगे, उन दोस्तों के साथ बात करनी पड़ेगी। अभी मैंने रखा है उनके पार्लर में, ऐसे उनके शब्दों के बाहर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे पाथड़ी का तिलोक जैन ज्ञान प्रसारक मंडल और श्रावक संघ। मैं शुरुआत में आपको खुशखबरियां सुना देता हूँ। तिलोक जैन ज्ञान प्रसारक मंडल के सतीश भोगुगले और पाथड़ी का श्रावक संघ जो गुरुदेव की कर्म भूमि धर्म भूमि पाथड़ी है, सारी संस्थाओं की स्थापना गुरुदेव ने पाथड़ी में करी है। आज जो भी नगर का विकास देखते हैं आप परीक्षा बोर्ड के रूप में, उसके पीछे फाउंडेशन का काम पाथड़ी वालों ने किया। और आज भी तिलोक जैन ज्ञान प्रसारक मंडल संस्था का काम वो बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं। पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी यहाँ की सारी व्यवस्थाओं में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैंने सतीश है यहाँ पर गुरु ने कल मैंने इनको पाथड़ी वालों को कहा है कि तुम्हारे गौरव के अनुरूप बात नहीं है कि गुरुदेव के जन्म भूमि में कार्यक्रम होता हो और पुणे वाले आकर के यहाँ पर काम करे, इसमें तुम्हारी कोई गरिमा नहीं है। यहाँ से आगे होने वाले सारे पालने का नियोजन चाहे औरंगाबाद वाले करें, चाहे नगर वाले करें, चाहे जालना वाले करें, चाहे इंदौर वाले करें, क्योंकि ये भूमि चित्रंडी की भूमि जैसे गुरुदेव पूरे भारतवर्ष के थे, यहाँ पर होने वाले कार्यक्रम भी पूरे भारतवर्ष से संपन्न होंगे। ये किसी अकेले की बापूर्ति नहीं बनेगी, ना प्रगट ऋषि की बापूर्ति बनेगी, ना गुरु आनंद फाउंडेशन की बापूर्ति बनेगी। ये बापूर्ति बनेगी तो केवल गुरुदेव की ही बापूर्ति बनेगी। और यहाँ के सारे कार्यक्रम जो भी संपन्न होंगे अलग अलग संघ के द्वारा ही यहाँ समायोजित किए जाएंगे। लेकिन अखातीत के पालने का नियोजन, आयोजन में किसको सहभागी करना, स्वयं आयोजन करना कि और किसी को जोड़ना, कि स्वयं ने केवल नियोजन करना और आयोजन भी करना, इसका निर्णय यहाँ से आगे मैं कोई टेंशन लेने वाला नहीं हूँ, मैं कोई संकेत करने वाला नहीं हूँ। मैंने पाथड़ी वालों को जवाबदारी सौंप दी है। और एक खुशखबरी आपके लिए अक्षय तृतीया के स्थापना महोत्सव के लिए पुणे से उग्र विहार करके, मेरा तो उग्र विहार रूटीन में आ चुका है, लेकिन महासती जी प्रीति दर्शना जी जिन्होंने मुझे लगता है जिंदगी में पहली बार 28 किलोमीटर का विहार किया, और उग्र विहार करके मेरे पहले वो यहां पर पहुंचे, बहुत लंबा विहार किया। यहाँ के 3 दिन के रात्रि के प्रवचनों में उन्होंने चित्रंडी का पूरा वातावरण जागरूक किया। मैं तो बेभरोसे का आदमी हूँ, इस साल यहाँ हूँ अगले साल कहाँ रहूंगा भरोसा नहीं। अखातीत यहाँ पर हर साल होनी है और जब तक मैं वापस यहाँ पर नहीं आता हूँ तब तक कि अखातीत की धर्म मंच की जिम्मेदारी पीटी दर्शना जी और प्रशांत दर्शना जी को कल सौंपी गई है। आप सभी के श्रद्धा स्थान आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब के
पवन स्मृति में भावपूर्ण वंदना। यहाँ विराजित युवा मनीषी प्रखर वक्ता, और अभी एक नाम और जोड़ रहा हूँ, उग्र बिहारी परम प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब तथा मधुरकंठी तीर्थेश्वर ऋषि जी महाराज साहब तथा प्रीति महासती परम पूज्य प्रीति दुर्शदा जी महाराज साहब प्रशम दर्शना जी महाराज साहब आदि साध्वी वृंदों के चरणों में भावपूर्ण वंदना। यहाँ पधारे हुए तपस्वी का और धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, मैं गुरु आनंद फाउंडेशन की ओर से सर्वप्रथम परम पूज्य युवा मनीषी प्रखर वक्ता प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का आप सभी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिस तरह से उन्होंने इंदौर से चिचोंडी तक का 550 किलोमीटर का विहार कड़ी धूप वर्षी तक और 550 किलोमीटर का विहार केवल 16 दिनों में, 16-17 दिन, गुरुदेव 16-15 को सुबह आप पहुंचे हैं और 30 को आप वहां से निकले हैं। हम हर एक दिन की काउंट करते थे। विहार आप कर रहे थे, वेदना कार्यकर्ताओं को हो गई थी, इसलिए गुरु आनंद फाउंडेशन की ओर से तथा इन धर्म सभा की ओर से मैं आपके आपको विहार की और वर्षी तप की साता पूछते हुए वंदना करता हूं। वैसे ही तृतीय दर्शना जी महाराज साहब का ग्रुप पुना से विहार कर उन्होंने भी उग्र विहार किया है और पुना से वो चिचोंडी गुरुदेव के पहले पहुंचे हैं और यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह उन्होंने देखी, उसलिए उनको भी मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पधारे हुए तपस्वी बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने भी इस पावन भूमि पर, गुरुदेव के जन्म भूमि पर और आगे जाकर एक स्थानकवासी समाज का, जैन धर्म का एक तीर्थ स्थान बन रहा है, एक श्रद्धा स्थान बन रहा है, उस पावन भूमि पर उसी तप पारना करने का निर्णय लिया है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और गुरु आनंद फाउंडेशन की ओर से मैं उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे पता है कि चितौंडी जैसे गांव में जो नगर से 40 किलोमीटर दूर है, ऐसी जगह पर वर्षी तप का पारना करना, किसी कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत मुश्किल है। 2014 के पारने गुरु आनंद फाउंडेशन ने किए थे, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इस साल पारस फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने इस वर्षी तप पारने के आयोजन का जिम्मा लिया था और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसे निभाया है। इसलिए मैं गुरु आनंद फाउंडेशन की ओर से और आप सभी की ओर से पारस फाउंडेशन को और पारस फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि इस पावन भूमि पर 2 साल पहले हमने एक तीर्थ निर्माण का सपना देखा था और चिचोंडी जैसे देहात में एक क्षेत्र जमीन पर प्रकल्प खड़ा करना, उसके लिए बहुत कठिनाइयां होती है, शासन की बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है और 2 साल से हम सब जमीन संस्था के नाम पर करने के लिए 63 की परमिशन हो, टाउन प्लानिंग की प्लान को परमिशन लेना हो और एनए ऑर्डर लेना है, इससे काम 2 साल से प्रयत्नशील थे और मुझे बहुत खुशी है कि कल ही एनए ऑर्डर गुरु आनंद फाउंडेशन के नाम से मिल गई है और इस सब कार्य में
मेरे सहकारी सहयोगी और मेरे गुरु आनंद फाउंडेशन के ट्रस्टी सुरेंद्र भाव संचेती और सुनील भाव नाहर, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जो नक्शे बनाने थे इस प्लान अप्रूवल के लिए, उसके लिए किशोर भाव कोठारी और विपुल जी पगारिया, जो दोनों आर्किटेक्ट है, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया था, उसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु आनंद फाउंडेशन की ओर से आनंद तीर्थ का जो निर्माण हो रहा है, बहुत बड़ा नगर का आनंद तीर्थ का जिक्र, आनंद तीर्थ का एक बहुत बड़ा सपना हम देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी लोग जो सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं गुरु आनंद फाउंडेशन की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी शासन की जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो परमिशन है, सभी परमिशन मिल चुकी है और तीर्थ निर्माण का कार्य हम जुलाई के पहले शुरू करने जा रहे हैं। और यह जो कार्य है वो तीन चरणों में पूरा करने का हमारा संकल्प है। पहले चरण में आचार्य भगवंत का गुरुचरण तीर्थ, जो हमारे सभी श्रद्धालुओं का एक श्रद्धा स्थान है, उसका निर्माण करने का एक सपना है, एक बहुत सुंदर एक आर्किटेक्चरल वंडर करने का हमारा सपना है। उसके लिए काफी समय लगेगा, लेकिन एक मिनिएचर गुरुचरण तीर्थ का मिनिएचर, उसके साथ एक वृद्धाश्रम, अतिथि निवास, भोजनशाला, साधु संतों का निवास स्थानक और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ऑफिस और लैंडस्केपिंग का कार्य और वर्षित पारणों का आयोजन करने के लिए एक बहुत बड़ा धर्म सभा मंडप हम परम पूज्य उपाध्याय प्रवर गुरुदेव प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को और सभा को वचन देते हैं कि अगले साल के पारने नए धर्म सभा मंडप में हो गए। कहीं भी अस्थाई मंडप नहीं रहेगा और प्रथम चरण का कार्य भी अगले वर्षी तक पारने के पूर्व पूर्ण करने का संकल्प गुरु आनंद फाउंडेशन ने लिया है। काम बहुत बड़ा है और मैं आप सभी को गुरु आनंद फाउंडेशन की ओर से विनंती करता हूं कि इस कार्य में आप तन मन और धन से जुड़ जाइए, क्योंकि एक विशाल कार्य है, एक तीर्थ निर्माण का कार्य है। केवल 10, 20 और 50 लोगों से नहीं बनेगा, हर एक को जो भी गुरुदेव के प्रति आचार्य भगवंत के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको इस कार्य में तन मन से धन से जुड़ना है। और गुरुआनंद फाउंडेशन को मैं गुरुआनंद फाउंडेशन की ओर से आप सभी को विनती करता हूँ कि आप इस कार्य में सक्रिय जुड़े और एक आदर्श तीर्थ का निर्माण गुरुदेव के जन्मभूमि पर करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वैसे ही आज गुरु आनंद फाउंडेशन और पारस फाउंडेशन की ओर से जो पारने का आयोजन किया है, उसमें पारस फाउंडेशन ने संयोजन की आयोजन की भूमिका निभाई है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है 2014 के पारने हो और इस साल के पारने हो, नगर के जो आनंद तीर्थ महिला परिषद है। एक मिनट सुनिए, आप सभी लोगों को कार्यकर्ता लोग संकेत कर रहे हैं कि आप बीच में जगह ना छोड़े, क्योंकि पीछे लोग कार्यकर्ता खड़े हैं, तो जहां भी आपको आपके दो जनों के बीच में गैप दिखती है उस गैप को जल्दी से भर लो, आप जल्दी से भर लो, जिससे कि पीछे लोगों को दिक्कत न जाए बैठने के लिए। आराम से, बहनों के लिए भी वही संकेत है, भाइयों के लिए भी वही संकेत है। परम पूज्य उपाध्याय प्रवर परम ऋषि महाराज साहब के बारे में बोले, तैसा चाले त्याची वंदा भी पावले। गुरु आनंद फाउंडेशन की केवल प्रेरणा नहीं थी, केवल शब्दों से नहीं कहा कि मैं गुरु आनंद फाउंडेशन के निर्माण के और चलाने के लिए समर्पित हूँ, मेरा जीवन गुरु आनंद फाउंडेशन के लिए समर्पित है। और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, अपने क्रिया से वो हम सभी को बता दिया है कि वर्षित पारने चितौंडी में हो रहे हैं, गुरु आनंद फाउंडेशन गुरु आनंद तीर्थ के भूमि पर हो रहे हैं। और कुछ भी हो,
मुझे उस पारने के लिए पहुंचना ही है, उन्होंने ठान लिया था। काफी बार हम सभी कार्यकर्ताओं ने विनती की थी कि गुरुदेव इतना अग्र विहार मत करो, हम संभाल लेंगे पारने, गरिमा से भोगे, गरिमा पूर्व होंगे, आप इतना उग्र विहार मत करके पधारो। लेकिन गुरुदेव ने किसी की नहीं मानी। 500-550 किलोमीटर का विहार इस कड़ी धूप में और वर्षित पारनों के साथ किया, इसलिए उनकी जो समर्पित भावना है आनंद तीर्थ के प्रति वो स्पष्ट होती है। और जो भावना उन्होंने हम सबको बताई है, उसी भावना से इस आनंद तीर्थ का निर्माण हम सभी को करना है। मैं आज ही आप सभी को एक निमंत्रण देना चाहता हूँ, न्योता देना चाहता हूँ, केवल आप ही नहीं, आपके परिजनों के सहित, आपके मित्र परिवारों के सहित अगले साल के वर्षित पारना के लिए, इस आनंद तीर्थ के प्रथम चरण के उद्घाटन के लिए आप सभी को पधारना है। केवल भावना व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, कार्य पूरा करके आज ही आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि हमें भरोसा है, खात्री है कि आप सबों के सहयोग से हम गुरु आनंद तीर्थ